जनवरी सन 1948 की बात है। अचानक समाचार मिला, बापू का देहावसान हो गया। पूज्य स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति और महात्मा गांधी के विचारों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षण संस्थान प्रारंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने कुछ लोगों से परामर्श किया, जिनमें प्रमुख थे उनके गुरु स्वामी शरणानंद जी महाराज, आचार्य विनोबा भावे और सरदार पटेल, और निश्चय किया गया कि एक बृहद संस्थान बनाया जाए और वो इसी जगह बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत अत्यंत पिछड़ा हुआ रेगिस्तानी इलाका था। 1192 एकड़ जमीन निर्धारित की गई और उस पर कार्य प्रारंभ हुआ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पूज्य स्वामी जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था, मानव को मानवता का बोध कराने वाली और मानवता को अपने जीवन में अपनाने वाली शिक्षा देने वाला संस्थान गांधी विद्या मंदिर हो। इस संस्था में वर्तमान में 5 स्कूल चल रहे हैं, इसके अलावा एक आयुर्वेद कॉलेज, एक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, एक मानवीय का कॉलेज और एक अभियांत्रिकी का कॉलेज चल रहा है। ये आयुर्वेद के अलावा सारी प्रवृत्ति इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन माननीय विश्वविद्यालय के अंडर में चल रही हैं, जो गांधी विद्या मंदिर का ये खंड है। एक ग्रामोदय विभाग में एक कृषि विज्ञान से केंद्र चल रहा है और गाँव के समग्र विकास, गाँव वालों को भी मानवता का ज्ञान देने, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, कुरीतियाँ मिटाने के लिए, नशा मुक्ति के लिए, उनकी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए वो हर गांव में काम चल रहा है। स्थानीय गायों के नस्ल सुधार के लिए एक नस्ल सुधार केंद्र और वृद्ध और रुग्ण गायों के लिए एक गौशाला वो चल रही है। एक अनाथ आश्रम भी है जहां अनाथ बच्चों को चरित्र निर्माण के साथ शिक्षा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा विद्यालय प्रारंभ किया गया है जिसमें बच्चों को सेवा करके शिक्षा दी जाए, शिक्षा का दान हो और बच्चों की भी फीस न दे करके सेवा करके गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण करें, उसके लिए वहाँ काम प्रारंभ हो गया है। शिक्षक प्रशिक्षण काम चल रहा है, एक स्कूल चल रही है, विश्वविद्यालय बनाने की योजना है। मेरे परिवार की यह परंपरा रही है 200 साल से कि जब भी कोई विपत्ति आई तो सब जगह सहयोग के लिए हमेशा हमारे द्वार खुले रहते थे। यह स्वामी जी ने अपने जीवन भर किया और उसके बाद हम लोग उसी क्रम में प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा काम होता रहे। कुछ वर्षों पूर्व कच्छ के भूकंप में, तमिलनाडु की सुनामी में, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और श्रीनगर की बाढ़ में यहाँ की टीम ने जाकर के बहुत सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान त्रासदी मानवता पर सबसे बड़ी विपत्ति है, इसलिए संस्थान के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम अपने भूतकाल की निधि को भी खर्च करके मानवता का संरक्षण करेंगे, बचाएंगे उसको। और विशेषतः इस समय जो COVID-19 के प्रसार के में उपयोगी मानव में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए दवाई का क्रम चल रहा है, जिसमें अधिकांश निःशुल्क दिया जा रहा है और अब जो कीमत से दिया रहा था वो केवल लागत कीमत पर दिया जा रहा है, वो दवाई सर्व ज्वर हर चूर्ण वो चालू है देना। पूज्य स्वामी जी को उनके गुरु जी ने 2 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए थे। एक था कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, और दूसरा था कुछ न चाहो काम आ जाओ। जीवन भर उन्होंने उन्हीं पर काम किया। हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि उसी की तरफ आगे बढ़ें।